सो वेलकम बैक टू एक और नई वीडियो में। तो फाइनली ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद लेकर आ रहा हूँ। कोई वीडियो नहीं बना पाया एयरोक्स में, बट बहुत सारे डाउट लोगों के, जो मुझे कमेंट काफ़ी आए लोगों के एयरोक्स के रिलेटेड, इसलिए मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूँ एयरोक्स से रिलेटेड। लेने की प्लानिंग कर रहा हूँ, उसके भी डाउट क्लियर हो जाए और जिनके पास है उनके भी क्लियर हो जाए। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ, मैं मेरी एयरोक्स की वीडियोज़, जो पुरानी वीडियो जितनी भी अपलोड की है, उनके पुराने कमेंट रीड करूँगा मैं। जो भी लोगों के डाउट है मैं उनको रीड आउट करूँगा, उनको आंसर करूँगा, अपने वे में मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो इससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी लोगों को। स्टार्ट करते हैं। तो मेरी सबसे पहली वीडियो है एयरोक्स मॉडिफिकेशन रिलेटेड, उसमें कुछ क्वेश्चन है लोगों के, उसमें कमेंट देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है अमित भाई का, कचरा कर दिया बाइक का। तो भाई थैंक यू, मेरी बाइक है, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने करा, आप खरीदो, आप अच्छी बनाओ, लाइक फॉर यू एंड फॉर यू कमेंट। तो इसमें एक कमेंट है सलमान राशिद का, उसमें भाई ने पूछा है व्हाट इज़ द माइलेज। तो मैं भाई आपको बता दूँ, माइलेज जो है इसकी डिपेंड करती है आपके चलाने पे। आप एक्सेलरेशन किस तरह से देते हो उस पे सारी माइलेज डिपेंड करती है। आप एग्रेसिवली उसे खींच रहे हो, जबरदस्ती चला रहे हो, तो आपकी माइलेज डेफिनेटली ड्रॉप होगी। अगर लाइट वे में एक्सेलरेट कर रहे हो तो आपकी माइलेज काफ़ी अच्छी निकल जाएगी, 45 के अराउंड आराम से निकल जाएगी आपकी माइलेज। मैंने चलाई है आराम से, मुझे 45 की माइलेज आराम से मिली है इस स्कूटर में। चलाने पे डिपेंड करता है। और अगर आपको पूरी क्लेरिफिकेशन चाहिए तो मेरी मोर्थल ट्रिप वाली वीडियो देख लो आप, उसमें मैंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है माइलेज से रिलेटेड। उसमें कैलकुलेशन में आपको थोड़ी बहुत आइडिया मिल जाएगा कि क्या क्या मैंने कैलकुलेशन किया, उससे थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी आपको, वो जाके आप वीडियो देखो। एक यूज़र है मैंगो नाम का, उसका कमेंट है क्या बैक सीट कम्फर्टेबल है, उस पर लेडीज़ बैठ सकती इजीली, एल्डर्स रियर सीट पे बैठ सकते हैं इजीली। तो भाई मैं आपको बता दूँ, इसमें जो लेडीज़ फुट रेस्ट होता है एक लेफ्ट साइड में, वो नहीं है इसमें। इसके जो शॉकर्स है वो कंफर्टेबल नहीं है, काफ़ी ऊंची है बाइक, एल्डर इजीली नहीं बैठ सकते, मेरी मम्मी को भी प्रॉब्लम होती है। और इस पर दो साइड फुट रेस्ट है जो बाइक में होते हैं नॉर्मली, उस पर पैर रख के चढ़ना काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो आपको मैं एक अल्टरनेट ऑप्शन बता देता हूँ, मार्केट में 300-350 रुपये में एक लेडीज़ फुट रेस्ट मिलता है, जो इसमें आप इजीली इंस्टॉल करा सकते हैं, बट वो एडजस्टेबल नहीं है, जैसे कि वो फोल्ड हो जाते हैं दूसरी स्कूटियों में, उस तरह से फोल्ड नहीं होता वो वाला। वो लगवा सकते हैं, उससे आप इजीली किसी एल्डर को आप इजीली बिठा सकते हैं। बट हाँ, बैक पेन हो सकता है, अगर आप चाहते हैं एल्डर कंफर्टेबली बैठे तो आपको शॉकर भी चेंज कराने होंगे, तो वो चीज़ भी एक ध्यान में रखना। एक भाई है रेड हॉट, उन्होंने पूछा है डिड यू पेंट योर टायर्स लोगो वाइट और इज इट स्टिकर्स। तो भाई मैंने अमेजोन से मार्कर, वाइट पेंट मार्कर ऑर्डर किया था, तो जितना भी उसमें फॉन्ट था, अल्फ़ाबेट थे, वो उनको मैंने अंदर वाइट कर दिया है वाइट पेंट मार्कर से। इजीली अमेजोन पे सर्च कर सकते हो, वो 100-150 रुपये के पेयर आते हैं, आप इजीली घर पे बैठ के उन टायरों के अल्फ़ाबेट को पेंट कर सकते हैं, तो वो चलते वक्त ज़्यादा आई कैची लगता है। एक आदर्श त्रिवेदी का भाई का कमेंट है 40 में कंसिस्टेंट स्पीड पर साउंड आता है क्या, फ्रिक्शन जैसे पीछे से आता है, सो कन्फ्यूज। तो मैं भाई आपको बता दूं, पहले मेरी स्कूटी में नहीं आता था, बट अब ये मुझे भी आता है कभी कभी, अजीब सी एक जैसे कुछ मोटर सी चल रही हो उस तरह का आवाज़ आती है मेरे को पीछे मेरे टायर के पास। तो मैंने चेक किया तो मुझे जहाँ तक मुझे पता लगा है, वो एक फ़िल्टर के नीचे बॉक्स होता है जहाँ पे फ़ैन लगता है, बेल्ट ड्राइव के पास फ़ैन होता है एक छोटा सा, वहाँ से ही आवाज़ आती है। तो इसका कुछ मुझे अभी सॉल्यूशन मिला नहीं है, इन फ्यूचर मिलेगा तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, या फिर आपको मिले तो आप कमेंट रिप्लाई बैक कर सकते हैं। तो मुझे मेरी भी आई है जीत राव कॉमेडी मास्टर, उन भाई ने पूछा है बेस्ट कलर बताओ उसका। तो भाई पर्सनल चॉइस है, हो सकता है आपका जो कलर बेस्ट लग रहा हो आपके दोस्त को किसी को पसंद नहीं आ रहा हो, तो ये पर्सनल चॉइस है, आप अकॉर्डिंगली देख लो जाके फेस टू फेस कौन सी कलर बेस्ट लग रही है। मुझे पर्सनली चाहिए थी ब्लैक, बट वो अवेलेबल नहीं थी, उसकी वेटिंग ज़्यादा थी, इस वजह से मैंने ये ग्रे कलर लिया है। एक टैग बॉय पूछते हैं भाई बुकिंग का ड्रामा तो नहीं है, हैंड टू हैंड मिल जाएगी। तो इसका मुझे कुछ आइडिया नहीं, जब मैंने बुक करी थी मुझे 45 डेज बाद डिलीवर्ड हुई थी, इस टाइम का मुझे नहीं पता कि कैसे डिलीवरी हो रही है, कितनी जल्दी मिल जा रही है। तो आप एक बार शोरूम विजिट करके देख लीजिए, उसमें आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। आप शोरूम विजिट करके देखोगे तो कितना वेटिंग पीरियड है, कब मिल जाएगी गाड़ी, कब डिलीवर्ड हो जाएगी आपके पास। ज़ुबैर कुरैशी भाई पूछते हैं भाई मुझे स्कूटी अच्छी लग रही है लेकिन सब बुरा बता रहे हैं स्कूटी के बारे में, अब तुम्हारे पास है स्कूटी, अब तुम बता स्कूटी लूँ या नहीं। तो भाई मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप सिंगल राइड पे मोस्टली पसंद करते हो सिंगल बंदा चलाना, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा। अगर आपके आप सोच रहे हो कि नॉर्मल स्कूटी की तरह फैमिली मेम्बर को भी पीछे बिठा के मैं आराम से कन्वे कर सकता हूँ, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जो पीछे बंदा बैठता है उसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसके जो शॉकर है कंपनी के वो काफ़ी स्टिफ है, काफ़ी पेन होता है आपको
सिंगल बैठे भी पेन हो जाएगा, पीछे वाले को तो हालत ज़्यादा डाउन हो जाएगी। तो अगर आप पर्सनली यूज़ करना चाहते हैं सिंगल आप अपने लिए, तो आप गो, तो मैं बोलूँगा गो फॉर इट। अगर आप सोच रहे हैं फैमिली का पहला स्कूटर, तो उसके लिए मत जाना भाई, आप नॉर्मल स्कूटर पर जाओ, वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दीपक अरोरा भाई का कमेंट है, इंडिया में कुछ न्यू आएगा तो दिक्कत तो होगी। जब भी कोई मार्केट में चीज़ आती है तो R&D होके आती है, तो उसके लिए 80% मान सकता हूँ मैं कि चीज़ें ठीक जाती है उसके फेवर में, और 20% नहीं जाती है, क्योंकि नई चीज़ों को अडॉप्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब मार्केट में चीज़ें जाएगी, उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा होगा, पब्लिक का रिव्यू आएगा काफ़ी, तो लोग लेना पसंद करेंगे। एक मिस्टर फ्रेंड एक बंदा है, उसका कमेंट है, तेरे जो पैसा था उसमें ही प्रॉब्लम थी, तेरे जैसा कटा दूसरे का तो कभी भी नहीं कटा होगा, यामा वालों को ब्लेम मत कर, तेरे में खोट है। तो भाई मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप जाओ परचेज करो एक 1.5 लाख की बाइक, और मेक श्योर आप डिफेक्टिव लो, और उसमें खुश रहने की कोशिश करना। अगर खुश रहते हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं रहते हो गुलामी करना कि भाई मेरी गाड़ी ऐसी थी, मैन्युफैक्चर ऐसी ही बनती है, तो मैंने डिलीवर ले ली, क्योंकि मेरा पैसा पड़ा हुआ था, पैसा ख़राब था, तो मैंने सोचा कि मैं ख़राब चीज़ ही ले लेता हूँ, तो इसलिए मैंने वो गाड़ी ले ली ख़राब। आप ये सोच के गाड़ी रख लेना, कंप्लेंट मत करना उसके रिलेटेड, तो शायद आपको भी पसंद आए, आपको भी अच्छा लगे, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर व्हीकल। खन्ना रशांक का कमेंट है, ये इंडिया में न्यू कॉन्सेप्ट है भाई, 23 या 24 में बेटर सर्विस मिलेगी एरो की, 2023 या 24 में भाई कह रहे हैं बेटर सर्विस मिलेगी एरो की। सर्विस रिलेटेड तो कुछ श्योर नहीं हूँ, क्योंकि सर्विस में अभी भी स्कैम चल रहा है, मैं अभी भी बाहर से सर्विस कराता हूँ। रही बात थोड़ा सर्विस एक्सपीरियंस और शोरूम एक्सपीरियंस की, तो वो बेटर हो सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो उनको डेफिनेटली अच्छी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, वरना उसका फीडबैक बहुत गलत जाएगा, क्योंकि अब इसकी कॉस्ट भी बढ़ गई है। जब मैंने ली थी 1,65,000 की ऑन रोड थी, और अब ये रिसेंटली जो नया सेकेंड जनरेशन version 2 आया है, उसकी कॉस्ट होगी 1,80,000 ऑन रोड। तो डिपेंड करता है अभी सर्विस कैसी है, मैं शोरूम से सर्विस नहीं कराता हूँ, तो इस वजह से अभी शोरूम का मुझे पता नहीं कैसा रिस्पांस है क्या नहीं है। मोटोमेंटर भाई का कमेंट है, शोरूम आर देयर टू लूट, दे बिलीव इन रिप्लेस देन रिपेयर, बस बदल दो ये आता है इनको, रिपेयर करना नहीं आता। कह सकते हो भाई शोरूम में यही चलता है, उनको बस ये आता है कि ज़्यादा सरदर्दी नहीं लेनी रिपेयर में, पार्ट रिप्लेस कर दो, काम अच्छा हो गया, और लॉन्ग टर्म के लिए कस्टमर के लिए भी बेनिफिट रहता है। बट कस्टमर भी इतना अवेयर होना चाहिए जो यूज़र है एरोस का, कि कोई भी जो पार्ट डलवा रहा है वो कितना चलेगा, कितनी सर्विस रिपेयर होना चाहिए, कब रिप्लेस होना चाहिए, तो ये चीज़ें दो चार जो बंदा लेने वाला भी अवेयर होना चाहिए। एक भाई का कमेंट है, कौन सा सस्पेंशन लगाया पीछे जो मैंने मॉडिफिकेशन करवाई थी, तो इस मॉडिफिकेशन रिलेटेड भी एक मैंने वीडियो डाल रखी है, वो आप देख लेना भाई मेरे ही चैनल पे है, सस्पेंशन कौन से हैं। उसमें एक्चुअली 2 सस्पेंशन की स्प्रिंग है, तो वो किस तरह से मैंने इंस्टॉल करवाई है वो सारी डिटेल में बताइए, वो आप जाके देख लो। एक यूज़र है, इट डजंट मेक सेंस टू मी, उनका कमेंट है, चोर है साले सबके सब, मैं लुधियाना से हूँ भाई, यहाँ शोरूम से न्यू गाड़ी के पार्ट निकाल के सर्विस वाले पुरानी गाड़ियों के कस्टमर को बिना बिल के थोड़े कम पैसों में टिका देते हैं, रामपुरी अपने खून में ही है। तो भाई मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप जब भी सर्विस कराओ या कोई भी हो जिस शोरूम की बात कर रहे हैं भाई, वहाँ पे आप अपने सामने कोई भी किसी भी शोरूम में जाओ सर्विस कराने, अपने सामने गाड़ी की सर्विस कराओ, और हो सके तो सेम डे डिलीवरी लेकर आ जाओ जो सर्विस करवा के। स्कैम का पता नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, उनके अंडर में गाड़ी रहती है पूरे 5-6 घंटे, तो ये चीज़ का ध्यान रखना। राजू पटेल का कमेंट है, कितना एक्सशोरूम था और इंश्योरेंस कितना लगाया, मुझे लेना है मगर शोरूम वाले सी काट रहे हैं। तो मैं भाई आपको बता दूं, एक्सशोरूम प्राइस जब मैंने लिया था 1,38,800 रुपये था, और इंश्योरेंस था स्कूटर का मेरे 12,644 रुपये, और रजिस्ट्रेशन था 11,604 रुपये, तो टोटल 1,63,048 रुपये का मेरे को ये स्कूटर पड़ा था, जिसमें थोड़ी बहुत एसेसरी लगाई थी मैंने लेते ही, तो 1,65 के आसपास पड़ गया था। और ये जो मैंने प्राइस बताया आपको, ये 2022 का प्राइस है, जुलाई में मैंने इसकी डिलीवरी ली थी। उदय पाटिल का कमेंट है, भाई इसकी एसेसरीज कहाँ से मिलेगी, स्कूटर के आगे वाले हिस्से में स्क्रैचेज आए हैं। तो भाई अब तो अमेजोन पे ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, सारी एसेसरी आपको होम डिलीवरी हो जाएगी, और सेम प्राइस है ऑलमोस्ट, जो अगर आप दिल्ली में रहते हो करोल बाग जाओगे तो वही सेम प्राइस आपको एयर का ऑनलाइन मिल जाएगा चीज़ों का, तो आप उसके लिए जा सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें अवेलेबल है। अंकित है, वो पूछता है, यू ऑल्सो है वॉबलिंग इशू, हैव यू ट्राइड आफ्टर लीविंग हैंडल अराउंड 50 से 60 किलोमीटर की स्पीड में।
तो भाई मेरे इसमें वॉबलिंग का इशू था, बट मेरी अलाइनमेंट ख़राब थी, फ्रंट शॉकर थोड़े अप डाउन पे एडजस्ट थे, तो उनको एडजस्ट करवाया था मैंने शोरूम में, तो फिर मेरा वॉबलिंग इशू ख़त्म हो गया था। तो आप चेक करवा लो, वैसे मेरे में वॉबलिंग इशू नहीं है हैंडल छोड़ने पे। यामाहा एरो 155 भाई का यूज़र नेम है, और इन्होंने पूछा है रियर शॉक एब्जॉर्बर कौन से गाड़ी के डाले हैं, एनी डिफरेंस बिटवीन स्टॉक शॉक एंड दिस। तो भाई मैंने इसमें थोड़ा अलग अलग गाड़ियों की स्प्रिंग्स यूज़ करी है जिससे थोड़ा कंफर्टेबल रहे, और हाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये शॉकर काफ़ी कंफर्टेबल है, लॉन्ग राइड पे भी इतना बैक पेन नहीं होता है, तो काफ़ी कंफर्टेबल है। सुमित सक्सेना भाई का कमेंट है, थैंक यू यामाहा ओवर प्राइज स्कूटी, नॉन डुअल एबीएस सिस्टम प्रोवाइड, नॉन एलसीडी डिस्प्ले प्रोवाइड। आपका क्वेश्चन वैलिड है, बट अब जो वर्जन 2 आया है एरोक्स का उसमें डुअल चैनल एबीएस आ गया है, बट पीछे ड्रम ब्रेक ही है, डिस्क ब्रेक नहीं आया, तो आपको डुअल चैनल एबीएस मिल जाएगा, बट एलसीडी नहीं है। टीएफटी डिस्प्ले अच्छी लगती है इसकी डिस्प्ले रात में, एलसीडी से थोड़ा स्पोर्टी सा लुक आता है। तो मुझे भाई अंकित उनका कमेंट है, यू शुड रिकॉर्ड योर सस्पेंशन ट्रेवल। ये कमेंट जो है मेरे सस्पेंशन अपग्रेड की वीडियो के बाद का कमेंट है, ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उस सस्पेंशन अपग्रेड के लिए कि यू शुड रिकॉर्ड योर सस्पेंशन ट्रेवल वाइल राइडिंग विद इन कैमरा सेटअप, एल्स एटलीस्ट प्रेस द रियर टू शो द ट्रेवल ऑफ सस्पेंशन सेटअप। सो भाई मेरे पास कुछ ऐसा सेटअप नहीं है, स्कूटी में पीछे कैमरा प्लेस कर दूँ और मैं राइड करूँ तो सस्पेंशन का ट्रेवल रिकॉर्ड हो जाए, और अगर मैं आपको वैसे दबा के दिखाऊंगा पीछे से तो वो इजीली दब जाएगी, क्योंकि जो इसके हार्ड वाले जो सस्पेंशन थे वो भी तेज़ दबाने पे दब जाते थे नॉर्मली, बट जो रियल आपको मैं रिव्यू बताऊं तो वो तभी पता लगेगा जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, पीछे से वो रिकॉर्ड हो रहा हो कि उसका सस्पेंशन ट्रैवल कैसा हो रहा है, तो उसमें आपको अच्छा आइडिया मिलेगा। इसके लिए भी मैं जल्दी कोई देखता हूँ जुगाड़ कुछ मिलता है मुझे पीछे कैमरा सेटअप करने के लिए, फिर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उसके बारे में कि मेरा जो रियर सस्पेंशन है वो कैसा वर्क कर रहा है। सैड गेमिंग का कमेंट है, माय एंटॉर्क रेस एक्सपी 110 जाता है, 110 प्लस जाता है। तो भाई मैं आपको बताऊं, ये भी 110 प्लस, 115, 120 भी चल जाता है, बट मैंने इतना भगाया नहीं, ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, जितना मैं चला सकता था मैंने चला दिया और उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई और आपको शेयर कर दिया। एक यूज़र का कमेंट है, सीट कवर चेंज वाली वीडियो पे कि भाई कहाँ से करवाया, तो भाई मैंने आपको बता दूँ, मैं वीडियो में मैंने लिंक और कॉन्टेक्ट नंबर और लोकेशन छोड़ रखी है, आप वहाँ से देख सकते, नंबर पे कॉल कर सकते हैं, अगर आपको लगता है नियर बाई है तो आप जाओ, मैं सजेस्ट करूँगा। यामा एरोक्स नकल गार्ड वाली वीडियो पे एक भाई का कमेंट है, भाई एक चीज़ चेक करके बताओ, जो नंबर प्लेट लाइट है वो मेरी 5-10 मिनट बाद गर्म हो जाता है, आपके भी होता है क्या कुछ नंबर प्लेट लाइट गर्म? तो भाई हाँ गर्म होती है नंबर प्लेट लाइट, उसका रीज़न यह है कि वो हैलोजन लाइट है, एलईडी नहीं है, और हैलोजन बल्ब येलो होता है, तो येलो वो बहुत हीट करता है, इस वजह से मेरा भी वो लाइट हीट करती है। मैं सोच रहा हूँ उसे भी चेंज करूँ, एलईडी लगवा लूँ, वाइट लाइट लगवा लूँ, वो हीट नहीं करती ज़्यादा, वो चलती भी लॉन्ग टर्म तक है, तो हैलोजन बाकी उससे कुछ सच प्रॉब्लम नहीं है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। चंद्रा भाई का कमेंट है, हाउ डू यू सजेस्ट दिस फॉर लॉन्ग राइड, आई हैव सीन मैनी वीडियोज बट आई वुड लाइक टू नो यूर ओपिनियन, सो फॉर बेस्ड ऑन यूर यूसेज एज आई एम प्लानिंग फॉर द न्यू एरोक्स रिलीज दिस ईयर। तो भाई मैं आपको बोलना चाहूँगा, आप जा सकते हो इस स्कूटर के लिए, स्कूटर काफ़ी अच्छा है, केपेबल है लॉन्ग राइड के लिए, लॉन्ग ट्रिप के लिए। आपको उसके लिए कुछ अपग्रेड चाहिए होंगे, जैसे कि आपको शॉकर अपग्रेड करवाने पड़ेंगे, अगर आपको लॉन्ग राइड कंफर्टेबल चाहिए, बैक पेन ना हो ज़्यादा, तो आपको शॉकर भी आपको चेंज करवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड है पीछे के शॉकर, इसके जो स्टॉक शॉकर है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो इसके टायर हैं वो थोड़े ट्रैक वाले टायर हैं, तो ये स्लिप बहुत ज़्यादा होती है, थोड़े से भी मड एरिया आता है, कीचड़ जैसा एरिया आता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लिप होते हैं इसके टायर, तो आप एक उस चीज़ का भी ध्यान रखना। बाकी लॉन्ग ट्रिप के लिए, लॉन्ग राइड के लिए काफ़ी अच्छा स्कूटर आप ले सकते हैं। मेरी एरोक्स की लेटेस्ट वीडियो डिस्पैट वाली पे एक कमेंट है भाई का कि हाउ कैन वी स्विच ऑफ द हेडलाइट्स ऑफ एरोक्स ड्यूरिंग मॉर्निंग लाइट, कैन यू प्लीज़ गाइड मी दैट आई हैव बॉट माई एरोक्स फ्राइडे ओनली। सो मैं भाई आपको बता दूं, इसकी जो लाइट है वो डे टाइम रनिंग लाइट है, उसे आप टर्न ऑफ नहीं कर सकते हैं। वर्जन 2 में कुछ ऑप्शन आया हो तो ऐसा मुझे उसका कुछ आइडिया नहीं है, बट उसके जो हैंडल में बटन होते हैं वो आप चेंज करवा सकते हो, वो आप अपग्रेड करवा सकते हो, वो पूरा हैंडल में चेंज हो जाता है, जिसमें आपको डिपर मिल जाएगा, लाइट टर्न ऑफ का ऑप्शन मिल जाएगा, उसका ऑप्शन है आपके पास, उसके लिए जा सकते हो। मेरी डिस्पैट वाली वीडियो पे एक भाई का कमेंट है, ये पैड तो जेन्युइन नहीं है ब्रो, और लगाए तो कितने किलोमीटर चलेगा? ये निकावी ब्रांड के हैं, मैंने रिव्यूज़ के बाद ही लगवाए हैं, मैंने खुद अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को महीना भर हो गया डिस्पैट लगवाए हुए, तो और मैं आपको बता दूँ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, काफ़ी अच्छी ब्रेकिंग है,
हाँ ये हो सकता है ओरिजिनल से कम चले, थोड़ा ओरिजिनल चलते हैं 10,000, मेरे 10,000 पे चेंज हुए, 10-11 हज़ार पे चेंज हुए हैं, तो हो सकता है वो 8 या 9 हज़ार चले। और इनका कॉस्ट था 180 रुपये, तो मेरे को प्राइस रीजनेबल लगा और मुझे काम भी अच्छा कर रहा, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप इसके लिए जाइए। ये थे मेरी वीडियोस, थे लोगों के क्वेश्चन कुछ हेल्प से रिलेटेड जो मैंने थोड़ा कवर अप करने की कोशिश करी है। और भी आप लोगों के कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में मैंशन कर सकते हैं, कोशिश करूँगा मैं उनका आंसर दे पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।